न्यूज सिर्फ सच। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शनिवार दोपहर एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस विमान में उस समय तकनीकी खराबी आ गई जब वह वाराणसी एयरपोर्ट से उड़ चुका था। 123 यात्रियों के साथ एयर इंडिया का विमान AI-406 वाराणसी से खजुराहो वाया आगरा के लिए उड़ा था। उड़ान भरने के बाद पायलट को आभास हुआ कि विमान में कुछ तकनीकी खराबी लग गई है। उसने तत्काल ATC से संपर्क कर एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त मांगी। ATC से इजाज़त मिलते ही बाबतपुर एयरपोर्ट पर उसकी आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। BHU के हैदराबाद गेट के ठीक सामने दुकान पर खड़े 26 वर्षीय आनंद यादव पुत्र बाबूराम यादव को गोली मार दी गई। सिवान का रहने वाला आनंद BSc फाइनल ईयर का छात्र है। वह दुर्गा लॉज में रहता है। उसने बताया कि दो बाइक से चार लोग आए थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया। लालपुर में VDA की अधिग्रहित जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की गई। कब्जेदारों ने रातों रात चार दीवारी बना ली। शनिवार को इसकी जानकारी उपाध्यक्ष पुलकित खरे को मिली तो ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को लेकर उनका संसदीय क्षेत्र वाराणसी काफी उत्साहित है। इसे स्वच्छता दिवस के रूप में मनाने के निर्णय के क्रम में विद्यालयों में भाषण निबंध व पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिला स्तर पर शनिवार को इसका आयोजन हुआ। सनातन धर्म इंटर कॉलेज में आयोजित इस प्रतियोगिता में 90 छात्रों ने शिरकत की। BHU के KN उडुप्पा सभागार में आयोजित समारोह में त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत रॉय शामिल हुए। उन्होंने राजनीति के बदलते स्वरूप पर शासन की चुनौतियाँ विषय पर व्याख्यान दिया। प्रधानमंत्री के दौरे के पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को काशी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री का जन्मदिन होने के नाते वह इस दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन दिन भर तैयारियों में जुटा रहा। जहां पे उनका रुकना है, एक मीटिंग भी है, साथ में कमिश्नर सभागार में भी एक प्रोग्राम है और संकुल सभागार में भी एक प्रोग्राम है जिसमें जनता के साथ इंटरेक्शन है। बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर शहर की सारी फोर्स लगी हुई है, सब जगह सुरक्षा सबल चार चौबंद। 11 वर्षीय किशोरी को न्याय की दरकार है। झारखंड के खरौंदी थाना क्षेत्र के कोसली बार में युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बताया गया कि लड़की मां के साथ पिंडमगंज रेलवे स्टेशन गई थी। मां ट्रेन पकड़कर चुनार चली गई। लड़की को उसी बस से वापस आना था। वापसी में वह भटक कर कोन पहुंच गए। वहां मदद का झांसा दे युवक उसे अपने साथ अमरोहा ले गया। अमरोहा में पत्नी ने घर में रुकवाने से मना किया तो वह उसे लेकर निकला। सुनसान जगह देखकर उसके साथ रेप किया और वहीं घायल छोड़कर फरार हो गया। एक महिला ने उसे देखा तो स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस तक पहुंचाया। लड़की की खराब हालत देख उसे रांची के रिम्स अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। बैनी स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी के खिलाफ अपना दल के ब्लॉक अध्यक्ष शिव नारायण पटेल के साथ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। वह स्वास्थ्य केंद्र में धांधली होने का आरोप लगा रहे थे। गिलौला के केंद्रीय विद्यालय में बैग जूता मोजा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि प्रदेश की बेसिक शिक्षा बाल विकास एवं पुष्टाहार राजस्व एवं वित्त राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अनुपमा जायसवाल एवं विशिष्ट अतिथि सांसद ददन मिश्र रहे। मंत्री ने बच्चों को जूता मोजा व बैग वितरित किया। इसे पाकर बच्चे प्रफुल्लित हो उठे।